हेलो, नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से, और जय माता दी। और बताएं कैसे हैं आप? मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और मैंने उपवास रखा है, और आज नज़र आ रही हूँ आपको अलग ही लुक में। मैंने पहनी है साड़ी। आप बताइए कैसी लग रही थी साड़ी में मैं? और आप लोगों ने, सभी ने बहुत सारे कमेंट किए हैं और एसपी पूछी है, तो मैं आने वाले टाइम में सबकी विश पूरी करूँगी कि कौन सी रेसिपी किसको चाहिए, और मैं सबके नाम भी लूँगी जो जो कमेंट कर रहे हो। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया है जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट में पढ़ने की कोशिश करा करूँगी। लास्ट में ब्लॉग में आपका नाम लूँगी। और हाँ जी, तो फिर आज रेसिपी भी एक ज़रूर होगी व्रत की। और बहुत बहुत शुक्रिया है सब लोगों का। तो मिलते हैं बाद में, बाय। हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं किचन में और रेसिपी शूट कर लेते हैं। अभी बता देती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ फेमस वड़ा बनाने वाली हूँ। कौन सा वड़ा बनाने वाली है वो देख लीजिए। तो बन रहा है आज पफ वड़ा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 शकरकंद, उबाल के छील लिया है इनको स्वीटनेस के लिए, और 4 आलू हैं मीडियम साइज़ के, और थोड़े काजू के टुकड़े हैं। ये काजू के टुकड़े हैं थोड़े। ये ज़ीरा है, ये सौंफ है, और ये तिल लिए हैं, थोड़ी किशमिश लिए हैं, एक हरी मिर्च। धनिया नहीं है, धनिया डाल सकते हैं वैसे कंपलसरी नहीं है। और ये अरारोट है, इसको अरारोट भी लोग डालते हैं। मैं अरारोट डालूंगी, और आप साबूदाना पीस के भी डाल सकते हैं। जो लोग राइस फ्लावर खाते हैं वर्थ वाला, तो राइस का फ्लावर भी इसमें थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, ये देखिए मैंने मैश कर लिया है दोनों चीज़ों को। तो इसमें ये देखिए किशमिश डालूंगी, डाल देती हूँ। ये ग्रीन चिल्ली कट कर लिया है मैंने, पेस्ट भी बना सकते हैं। काजू डाल दिए हैं, और ये तिल सारे डाल दूँगी, तिल का टेस्ट बढ़िया आएगा। थोड़े इसके लिए सौंफ डाल दिया मैंने, और जीरा डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। पिंक सॉल्ट लिया है मैंने व्रत वाला, और इसको अरारोट को मिक्स कर देंगे। हाँ जी, तो ड्राई मसाले में देखिए ये मैं थोड़ी चिल्ली डाल रही हूँ, और थोड़ी काली मिर्च डाल रही हूँ। ये देखिए मीडियम साइज के मैं बना लेती हूँ इसके गोले। ये देखिए मैंने थोड़े से गोले बना के उसके बाद अभी ये तेल में लगा रख दिया है। अभी इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ, आप गोल भी रख सकते हैं। क्योंकि इसमें शकरकंद है ऑलरेडी, मीठा थोड़ा स्वीटनेस उसमें आ जाएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें राजगिरे का आटा मिला सकते हैं, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा आटा आटा ज़्यादा लगता है, इसलिए नहीं मिलाया मैंने। राजगिरे का आटा, साबूदाना पाउडर, ये चीज़ें मिला सकते हैं इसमें। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, तेल गर्म होने के बाद दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो तेल गर्म हो रहा है कढ़ाई में, देखिए। और ये बड़े बन चुके हैं बहुत बड़ा, और मैं अभी इनको फ्राई कर लेती हूँ। अभी ये हाई पे रखा है मैंने, और डालने के बाद इसको स्लो पे कर देंगे। तो बना लेती हूँ। हाँ जी, तो इनको डालने के बाद में थोड़ा टाइम तक हिलाना नहीं है,
जब तक ये आपका ऑयल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, जब तक आपको नहीं लाना है, और आराम से इसको चेक करना है। ये देखिए ब्राउन हो रहे हैं, और अभी स्लो पे पका देते हैं। मैं निकाल के दिखा दूंगी आपको, ये देखिए ऐसे। और अपना हर चीज़ फ्राई है, उसमें बॉयल डाली हुई है, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कच्ची हो। तो इसके लिए अब हम इसको जल्दी ही निकाल, जैसे पिंक या रेड हो जाता है, आपको जितना कुरकुरा पसंद है आप इसको निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए कितने सुंदर बन चुके हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये देखिए। और ऑयल में इसको बहुत आराम से डालिए, और मैं बाकी के भी फ्राई कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बबल्स आ रहे हैं, इसके लिए घबराना नहीं है आपको। ये तैयार हो चुका है बफड़ा, बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में एकदम डिफरेंट होता है। खाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, एंजॉय कीजिए बफड़ा, और एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल बटन ज़रूर दबाएं, और मेरी रेसिपीज इंजॉय करिए, मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद। लड्डू, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, भागे 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 भागे। खा लिया? टेस्टी था? खुशी कैसा था? टेस्टी। बढ़िया था? और तुझे कैसा लगा? बहुत टेस्टी। टेस्टी है।